हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रवार को सरहदी बाड़मेर में पतंगों और दान पुण्य का पर्व मकर संक्रांति पर मनाया गया। शहर में विभिन्न गली मोहल्ले में भी दान मांगने आने वालों को लोग अपने सामर्थ्य अनुसार दान में विभिन्न फल मिठाई देते नजर आए। अल सुबह से ही लोगों ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य किया। लोगों ने कन्याओं को अलग अलग तिल के बने मिष्ठान के साथ साथ उपहार दिए। वहीं शहर की विभिन्न गौशालाओं में दान पुण्य का लंबा दौर चला। शहर के सुमेर गौशाला, मोहन गौशाला, गोपाल गौशाला, नंदी गौशाला समेत कई जगहों पर पशुओं को हरा चारा और गुड़ खिलाकर दान पुण्य किया गया। इस पर्व पर हालांकि गंगा स्नान का बेहद महत्व है, लेकिन जिले भर में विभिन्न तालाबों में भी सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व पर शुक्रवार सुबह सुबह हवा ने पतंगबाजों को सताया। इसके चलते युवा फोटोबाजी करते नजर आए। पतंगबाजी के साथ हर आयु वर्ग के लोगों ने मोबाइल से सेल्फी लेने का क्रेज भी जमकर देखा गया। हर कोई पतंग उड़ाते हुए फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आतुर रहा। जिले भर में सुबह ही बच्चे पतंग डोर लेकर छतों पर चढ़ गए। हालांकि दिन भर हवा कम चलने के कारण पतंग उड़ाने वालों में मायूसी रही। इसके बावजूद जैसे तैसे पतंग को आकाश की ओर भेजा गया। दोपहर बाद हवा चलने पर लोगों में उत्साह बढ़ गया और आकाश में रंग बिरंगी पतंगे इड़लाने लगी। बाद में शहर के आकाश एक से बढ़कर एक डिजाइनर के कारण रंग बिरंगा दिखाई दे रहा था। लोगों ने मकानों की छतों पर ही डेक और डीजे मशीनें लगा दी। पतंग उड़ाने के साथ ही युवा छत पर फिल्मी गानों की धुन पर झूम रहे थे। कई मंदिरों में पतंगों की झांकी सजाई गई। मकर संक्रांति पर सुबह से ही बाजारों में पतंग मांझा खरीदने वाले युवाओं की भीड़ लग गई। इधर पर्व पर व्यंजन बनाने के लिए सामान खरीदने वालों की भी भीड़ रही। दरअसल मकर संक्रांति का पर्व खगोल से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकल अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि इस खास दिन पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए खुद उनके घर में प्रवेश करते हैं। इस दौरान कहते हैं कि एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। बता दें वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति बेहद अहम है, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति है। यही कारण है कि इस खास दिन को हम सभी मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और इसे मानते हैं। इस बार शुक्रवार को मकर संक्रांति के पर्व धूमधाम से मनाया गया। जागरण टीवी के बाड़मेर से ठाकुर मेघवाल की रिपोर्ट।